नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज मैं आपके सामने यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की 2022 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में विस्तार रूप से बताऊंगा कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या है, उसमें क्वालिफिकेशन क्या है और क्या चेंजेस नए हुए हैं। जैसे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एआरओ को लेकर कुछ चेंज हुआ है उसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी मैं बताऊंगा आपको कि किस किस विभाग में आपके आरओ एआरओ की वैकेंसी आती है, ऑलमोस्ट कितने पद आने के चांस हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो में बता रखा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक बताएं कि इस जो आपकी आरओ एआरओ की वैकेंसी आ रही है उसको डिटेल में आप जानें कि किस प्रकार से इसमें प्रक्रिया चलती है। प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद से आपका एआरओ के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम आपसे बताएंगे कि एलिजिबिलिटी से पहले आपको कि किन किन विभागों में आपके समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद जो हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें जाए तो विभाग का नाम आप देख रहे होंगे, यहाँ पर विभाग का नाम है आपका उत्तर प्रदेश सचिवालय। ठीक है, उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो यूपीपीएससी है आपका उसमें समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद जो है उसमें आपका समीक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी में जो उत्तर आपका है निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश वाला है वहाँ पर समीक्षा अधिकारी, फिर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी लेखा अकाउंटेंट वाला पोस्ट अलग से आता है और इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो आपकी अलग होती है। फिर उसी सचिवालय में ही समीक्षा अधिकारी हिंदी की पोस्ट अलग से आती है। ठीक है, फिर से सचिवालय में जो आपका सचिवालय है उसमें समीक्षा अधिकारी उर्दू की पोस्ट अलग, इन तीनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। एक्स्ट्रा आपके जिस तरह से बोला जाए सर्टिफिकेशन मांगा जाता है। फिर उत्तर प्रदेश सचिवालय में यहाँ तक समीक्षा अधिकारी की बात हो गई, अब सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा में भी आती है। उसके बाद से आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा में होता है, सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी होता है, राजस्व परिषद में होता है, निर्वाचन वाले में होता है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी आपका सहायक समीक्षा अधिकारी होता है। तो इन इन विभागों में आपके समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के पोस्ट का आपका टोटल पोस्ट निकलता है। तो इन्हीं सभी से टोटल जो बोला गया है कि 600 समीक्षा अधिकारी और आपका 250 के लमसम सहायक समीक्षा अधिकारी के पोस्ट आने के चांस हैं। अभी हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर लें कि शैक्षिक अर्हता क्या होती है। तो जनरल से शब्दों में मैं बता दूं कि आपको आरओ जनरल आरओ अगर समीक्षा अधिकारी का अगर पोस्ट डालना है तो उसके लिए कोई भी जो है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कई बार कमेंट करके कि क्या मैंने ट्रिपल सी किया है तो मैं समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भर सकता हूँ, मैंने ये कोर्स किया है कंप्यूटर का तो समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भर सकता हूँ। भैया देखो, दो पोस्ट होती है, एक होता है आरओ दूसरा होता है एआरओ, एक को कहते हैं समीक्षा अधिकारी एक को कहते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, तो जो आरओ होता है उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांगा जाता, आप ट्रिपल सी हो चाहे डबल सी हो चाहे ए लेवल की हो बी लेवल की हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास सिंपल सी बात है 33% के साथ अगर आप ग्रेजुएशन पास हो, ठीक है, क्या हो ग्रेजुएशन आपने पास किया है किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, तो आप समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भर सकते हो। जैसे ये कहा ना, यहाँ पर देखो लेखा हिंदी और उर्दू वाले के लिए अलग से है, उसमें आपसे मांगेगा कि आपके ग्रेजुएशन में हिंदी विषय हो चाहे उर्दू विषय हो वो अलग हो जाएगा। लेकिन जो ये समीक्षा अधिकारी देख रहे हो इन सब विभागों में, इनके लिए और कुछ नहीं सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए आपका। क्या चाहिए? सिर्फ ग्रेजुएशन, कोई भी कंप्यूटर की अर्हता नहीं चाहिए आरओ के लिए। ये कान खोल के सुन लो, बार बार प्रश्न आप मत पूछिएगा, कई बच्चों ने ये प्रश्न पूछा है आरओ के लिए कंप्यूटर अर्हता चाहिए, आरओ के लिए कोई कंप्यूटर अर्हता नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, तो वही यहां पर लिखा गया है कि स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष, स्नातक के समकक्ष आपका होना चाहिए। चलो, अब कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो मैंने कहा हिंदी लेखा उर्दू वाले जो समीक्षा अधिकारी हैं, बाकी के लिए आपको यहां पर एलिजिबिलिटी नहीं दिया रहेगा। ठीक है, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा जो स्पेशल पोस्ट होता है ना उनके बारे में ही बताता है, बाकी जो पोस्ट होता है उसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन होता है तो उसके बारे में डिटेल नहीं देता है।
तो जैसे बोला समीक्षा अधिकारी लेखा सचिवालय में जो पोस्ट आएगी उसमें क्या आपका होना चाहिए कि किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में लेखा क्रम के साथ वाणिज्य में स्नातक मतलब कॉमर्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके समकक्ष आपकी डिग्री होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से बोला है अर्थात सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था में कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए, यहां पर ओ स्तरीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और तीसरा बोला है देवनागरी लिपि की लिखित में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए है, ठीक है। उसके बाद से आते हैं यहां पे समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए, ठीक है। ये जो ओ लेवल पूछ रहा है ये सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए होगा, इसके लिए नहीं होगा। समीक्षा अधिकारी देखो इसमें समीक्षा और सहायक समीक्षा दोनों निकलता है, यहाँ पर नोट कर लेना। एआरओ की भी लेखा की पोस्ट होती है, तो एआरओ की जो होती है समीक्षा और उसमें तो समीक्षा के लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएशन वाणिज्य में चाहिए और एआरओ के लिए वाणिज्य में ग्रेजुएशन के साथ आपको ओ लेवल भी आना होना चाहिए, या अब क्या हो गया है ओ लेवल के इक्विवेलेंट भी डिग्री मैं अभी आपको बता दूंगा कौन कौन सा है। फिर समीक्षा अधिकारी हिंदी में देखो तो यहाँ पर बोल रहा है विधि द्वारा स्थापित विद्यालय हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त आर्य है, ठीक है, ये वाला होता है। फिर समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय में उर्दू वाले में क्या है, यहाँ पे भारत विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य पर्शियन साहित्य उर्दू साहित्य से एक विषय के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त हो तो वो चलेगा। और साथ ही साथ यहाँ बोला जहाँ अभ्यर्थी ने जामिया उर्दू अलीगढ़ के आदिब ए कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की हो वहाँ उर्दू साहित्य पर्शियन साहित्य अरबी का अपेक्षा नहीं होगी, मतलब एक जो जामिया उर्दू अलीगढ़ आदिब ए कामिल में अगर परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो ये वाला जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए यहाँ पर सचिवालय और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बोला वही वाणिज्य के साथ आपका स्नातक होना चाहिए और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से ओ लेवल या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, इस बार जो बोला गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सहायक समीक्षा अधिकारी के बाद बोला है इसमें कि क्या होना चाहिए, सहायक समीक्षा अधिकारी है, ठीक है, सहायक समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय मुख्य निर्वाचन इन सब में बोल रहा है कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि होना चाहिए और या उसके समकक्ष होना चाहिए, डीईसीसी सोसाइटी द्वारा डोएक सोसाइटी द्वारा चाहे नीलेट के द्वारा ओ लेवल का प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष आहर्ता, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो भी आपके सहायक समीक्षा अधिकारी स्पेशल वाले नहीं हैं, जो लेखा वाले हो गए और हिंदी वाले हो गए उर्दू वाले उनको छोड़ के जो आपके अलग से निकलते हैं राजस्व में हो गया, उसके बाद से निर्वाचन वाले में हो गया, लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी हो गया, उनमें आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए और ओ लेवल आपके पास होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री मैं बताऊंगा। तो अभी तक आपने क्या सोचा समझा, आरओ के लिए सिर्फ होना चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक है, और एआरओ के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल या इसके इक्विवेलेंट। अभी शासनादेश जो 5 मई को आया था उसमें बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि ओ लेवल के इक्विवेलेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, ये बात इतनी समझ में आ गई, बस इतना ही मेन है आपको शैक्षिक आहर्ता में, और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। स्पेशल के लिए आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ लेना कि क्या क्या होता है, ठीक है, जो भी ऊपर नीचे होगा स्पेशल वाले बस स्पेशल वाले होते हैं, ठीक। एआरओ में एक चीज और होती है कि आपको क्या टंकड़ में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट का स्पीड होना चाहिए, वो मेंस के बाद आपके जो टाइपिंग होता है उसमें मांगता है, कृति देव 10010 वाला जो आपका फॉन्ट होता है उसमें आपकी टाइपिंग होती है, तो वो भी आपका होना चाहिए, तो वही बोला जा रहा है यहाँ पर। और साथ ही साथ बोला कि अंग्रेजी टंकड़ का भी ज्ञान होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए, आपसे उसकी टाइपिंग नहीं कराएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे आपको बता दिए समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में,
ठीक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो होगा आपका उसके लिए दिया है, और यहाँ पर दिया है कि बाकियों के लिए सचिवालय राजस्व परिषद उनके लिए बोला है कि क्या होना चाहिए, तो सेम है दोनों, सबकी अर्हता सेम है, उसमें कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो सहायक समीक्षा अधिकारी का ग्रेजुएशन के साथ आपका ओ लेवल या उसके समकक्ष होना चाहिए, और समीक्षा अधिकारी के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। अभी यहाँ जो 5 तारीख को आपका शासनादेश आया था, तो उसमें बोला गया है गृह विभाग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आदेश सुझाव अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में समिति और द्वारा ओ लेवल के समकक्षता के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है, जो इस प्रकार से है। पहला क्या बोला, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा, UGC, AICTC या NELET DOET से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था में से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। मतलब आप ओ लेवल या तो डोएक से किए हो, निलेट से किए हो, या उससे अप्रूव्ड कोई भी संस्था हो उससे किए हो, या आप किसी यूनिवर्सिटी से ओ लेवल किए हो, या किसी ऐसे कॉलेज से किए हो जो AICTC अप्रूव्ड है, तो वही मान्य होगा। कोई भी प्राइवेट संस्था जो इन द्वारा नहीं मान्यता प्राप्त है, इन जितने भी लिखा गया है विश्वविद्यालय बोर्ड या डोएक AICTC, वो मान्य नहीं होगा। तो आपका अगर AICTC या UGC या डोएक अप्रूव्ड ओ लेवल है, तो आप ओ लेवल के इक्विवेलेंट माने जाओगे। दूसरा बोला, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTC, NELET, डोएक से मान्यता प्राप्त या सरकारी या निजी संस्था से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, निम्नलिखित पाठ्यक्रम जो उत्तीर्ण करना है वो आपको अभी मैं नीचे दिखा रहा हूं। इसका कहने का मतलब यहां बोला है दो चीजें ध्यान रखना। ऐसे KSI की वैकेंसी आई था, उसमें बोला था निजी और सरकारी संस्था, तो निजी संस्था का मतलब ये नहीं हुआ कि जो गली में आपके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल जाते हैं तो वहां से आप सर्टिफिकेशन ले लो। ठीक है, उसकी भी क्राइटेरिया होती है। वो संस्था या तो NELET के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या AICTC से द्वारा हो, या UGC के द्वारा हो, या किसी विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड हो, ठीक है, तभी वो मान्य होगा। कोई भी गली मोहल्ले वाला इंस्टीट्यूशन जो अपने नाम पर आपको सर्टिफिकेट बना के देगा, वो मान्य नहीं होगा इन इन कोर्सों के लिए। जैसे जैसे डोप जो होता है, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, तो ये आपका किसी इंस्टीट्यूशन जो AICTC अप्रूव्ड है, चाहे किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तभी आपका मान्य होगा। डोमा, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट, ADC, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, तो ADC और ADCA वाले जो होते हैं, ये कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर मेरा इस इंस्टीट्यूट से देख लीजिएगा मेरा थोड़ा सा, कि ये वैलिड होगा कि नहीं। भैया मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ कि ADCA वाले, चाहे DCA वाले जो भी हों, चाहे PGDCA वाले, ये अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से किए हो, इन द सेंस वो कॉलेज आपका AICTC अप्रूव्ड है तो मान्य होगा, या आप किसी यूनिवर्सिटी से ADCA या DCA किए हो तब मान्य होगा, या आपका इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो वो NELET के द्वारा मान्यता प्राप्त है, पहले कंफर्म कर लेना। बहुत लोग कहते हैं कि NELET के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसमें लिख भी देते हैं NELET, उससे मतलब नहीं होता है। मेन होता है कि आपका सर्टिफिकेशन NELET से बन के आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी आप मान्य होगे। बाकी अरे गहरे जो आपके रोड पे किनारे खुले होते हैं, उससे आपका ये ADCA DCA मान्य नहीं होगा। तो ऐसे कई कोर्सेज हैं, ADCH है, ADCPA है, DCA मैंने बताया, इसके भी काफी स्टूडेंट मिल जाते हैं, कहते हैं सर मैंने यहाँ से किया है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट, फला इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑथराइज होगा, कुछ इंस्टीट्यूट उसमें से ही ब्लैक लिस्टेड हैं, वो पहले से जान लेना, तो वहाँ का सर्टिफिकेशन आपका नहीं चलेगा। कई एग्जामों में बाहर कर दिया गया है, सिर्फ AICTC UGC ही चलेगी, ये ध्यान रखिएगा, या NELET खुद डोएक किसी को मान्यता दिया हो वो चलेगा। ठीक है, DCS डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल्स, बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, 20 सर्टिफिकेट हैं, MOMSP डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, MDIT, MDCISM, MDC, DTP, ठीक है, डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DST, DIT, ठीक है, उसके बाद DCTT, एक होता है NIT, ठीक है, NIIET जो होता है, उससे अगर आपने किया तो वो मान्यता होता है। NIIT के इंस्टीट्यूशंस
मान्यता प्राप्त होते हैं क्योंकि वो AICTC अप्रूव्ड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आ जाओ CIN, SN, ADCST, ADHN, एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर नेटवर्किंग, ADI, ADP, ADC, AITT, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, ये सभी जितने आपको दिए गए हैं ना, इनमें से अगर मैक्सिमम बच्चे ADCA, DCA वाले मिलते हैं, ADCA, DCA और PGDCA, यही होता है। बाकी तो जो किए हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट ही लोग करा, बाकी और कोर्स जो होगा ना वो अच्छा इंस्टीट्यूट ही कराता है जो खासकर AICTC और UGC अप्रूव्ड होता है। चलिए PGDCWD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग अगर आपने किया है तो वो भी चलेगा। तीसरा पॉइंट बोल रहा है केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय UGC AICTC या NLET से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था। अब निजी संस्था को बच्चे सोच के सोचते हैं कि वही जो हमारे गांव में खोला है वही होगा, नहीं, वो गांव का संस्था अगर आपका इनसे अप्रूव्ड है तो ही मान्य होगा। 10+2 या स्नातक के उपरांत 12 के बाद या उसके बाद की जाने वाली कम से कम एक वर्ष की अवधि का PGDCA या DCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो तो आप मान्य होंगे। तो यहां पे कहीं आपका विद PCM, जैसे ASI की एक वैकेंसी है तो उसमें PGDCA को PCM के साथ कनेक्ट किया था तो वो यहां पे नहीं लिखा है। तो अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से या किसी संस्था से जो AICTC अप्रूव्ड है या DOEC या NLET से आपको मान्यता प्राप्त है वहां से PGDCA किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, तो आपका वो मान्य होगा PGDCA वाले, वो ओ लेवल के इक्विवेलेंट हो गए। यूपी डेस्को से अगर आपने एक वर्ष का DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है तो वो भी ओ लेवल के इक्विवेलेंट होगा। स्नातक स्तर पर अगर एक विषय के रूप में कम से कम एक वर्ष कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन, बस यही दो चीज। अब इसमें आप कंप्यूटर एडेड डिजाइन पढ़े हो तो वो नहीं लिया जाएगा, वो अगर आपने सिर्फ एक ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ा होगा तो आप लोगों को एलिजिबल माना जाएगा, ओ लेवल के इक्विवेलेंट माना जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। उसके अलावा नहीं, अगर आपने कोई भी और ऑटोमेशन का कोर्स किया है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस के इक्विवेलेंट नहीं होता है, वो मैकेनिकली कहीं ना कहीं होता है, या आपने कोई कंप्यूटर का अकाउंटिंग के साथ कोई एप्लीकेशन किया है तो वो भी मान्य नहीं होगा आपका, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ 6 नंबर पॉइंट बोला BSc IT किए हों या MCA किए हों या BTEC किए हों और BTEC का कोई ट्रेड नहीं दिया है, इसका मतलब BTEC के ऑल ट्रेड एलिजिबल हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो, BTEC के ऑल ट्रेड ओ लेवल के इक्विवेलेंट नए शासनादेश के अनुसार एलिजिबल होंगे ARO के लिए। ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल और कंप्यूटर कोर्स, BCA या MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी किया है, BSc में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम किसी एक वर्ष में पढ़ा है, चाहे आपका BSc कंप्यूटर साइंस हो या BSc में आपने एक कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस के नाम से कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तब आप ओ लेवल के इक्विवेलेंट माने जाओगे। ध्यान देना, कोई भी BCOM में अगर कह रहा है कि कंप्यूटर से रिलेटेड हमने अकाउंटिंग एप्लीकेशन पढ़ा है तो वो मान्य नहीं होगा। कंप्यूटर का मेन होना चाहिए, उसमें आप कंप्यूटर के फंडामेंटल्स पढ़े होने चाहिए। केंद्र राज्य सरकार के किसी विश्वविद्यालय या UGC AICTC NLET से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था हाई स्कूल के उपरांत कम से कम एक अवधि का कंप्यूटर डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, मतलब अगर आप 10+2 के बाद, मतलब 10th के बाद भी अगर आपने ADCA, DCA या कुछ भी किया हो जो एक साल का डिप्लोमा जितने भी लिस्ट में था और वो वैलिड इंस्टीट्यूशन से है, इन द सेंस AICTC या NLET या UGC से अप्रूव्ड है तो आपका मान्य होगा। केंद्र राज्य सरकार किसी बोर्ड विश्वविद्यालय UGC AICTC NLET से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम एक वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, जो आपका ये है नेशनल कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन वाला जो है, इससे इस ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको ये मान्यता प्राप्त है वहां से आपने एक साल का कोई कंप्यूटर कोर्स किया है तब आप ओ लेवल के इक्विवेलेंट माने जाओगे, ध्यान देना।
आईटीआई से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट मतलब कोपा का कोर्स किया है, तो ये भी ओ लेवल के इक्विवेलेंट होगा। केंद्र और राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय या AICTC नीलेट से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था में 3 वर्ष का डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये ध्यान देना कि अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी इंस्टीट्यूशन से आपने डिप्लोमा किया है, और वो भी किसमें, डिप्लोमा क्या होना चाहिए, डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होना चाहिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल डिप्लोमा नहीं चलेगा, सिर्फ 3 ही स्ट्रीम चलेगा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ही आपका चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गई ओ लेवल के समकक्ष। बीटेक सभी ब्रांच एलिजिबल हैं, बीटेक के ऑल ब्रांच जो होंगे वो ओ लेवल इक्विवेलेंट हैं, लेकिन डिप्लोमा में सिर्फ आपका CS कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही आपका सिर्फ एप्लीकेबल है, इसके अलावा कुछ नहीं है डिप्लोमा में। जो आप लोग पॉलिटेक्निक से करते हो तो ये ट्रेड होगा, तभी आप एलिजिबल होगे, ओ लेवल के इक्विवेलेंट माने जाओगे। आ जाओ अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि पैटर्न क्या होता है एग्जाम के RO के। तो पैटर्न जो होता है, प्रारंभिक परीक्षा पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद से आपका मेंस होता है, और मेंस के बाद में आपका यहां पर टाइपिंग टेस्ट होता है, और टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो सिर्फ ARO के लिए होता है। किसके लिए? ARO के लिए होता है। तो प्रश्न पत्र जो पहला आएगा उसमें सामान्य अध्ययन का प्रश्न होगा, 140 प्रश्न होंगे, 140 नंबर का होगा, और 1/3 निगेटिव होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और दूसरा प्रश्न पत्र होगा आपका, वो 1 घंटे का होता है, ये 2 घंटे का होता है टोटल, और ये आपका 1 घंटे का 1 आवर का पेपर होता है। 60 प्रश्न हिंदी के होते हैं और 60 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 200 नंबर का प्रीलिम्स होता है, 200 क्वेश्चन के होते हैं। ठीक है, ये ध्यान देंगे। स्ट्रेटेजी में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इनको तैयार करना है, अभी आप पहले पैटर्न और सिलेबस को देख लो। दूसरा आपका होता है मुख्य परीक्षा, जब आप प्री क्वालिफाई कर जाओ, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसका कोई भी वजूद नहीं है। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको मेंस देना है। मेंस देने में आपको सबसे पहला पेपर मिलेगा सामान्य अध्ययन, सिलेबस सेम रहेगा जो प्रीलिम्स का प्रीक है, जो सामान्य अध्ययन का पेपर हुआ GS का, वही सिलेबस इसमें भी रहेगा। 120 प्रश्न यहां पे रहेंगे, वहां पे 140 थे, यहां 120 रहेंगे। दूसरा आपका होगा सामान्य हिंदी और आलेखन वाला, उसमें 2 खंड रहेंगे, एक रहेगा परंपरागत सब्जेक्टिव वाला, वो 100 नंबर का रहेगा, और दूसरा रहेगा आपका MCQ पैटर्न पे, तो वो 60 नंबर का रहेगा। तो टोटल ये 160 नंबर का हो जाएगा, और हिंदी निबंध रहेगा आपका 120 का, तो ये पूरा का पूरा मेंस जो होगा वो 400 का होगा। ठीक है, और इसी 400 में जो आप नंबर पाओगे उसी के मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है, प्री का मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, अभी आप लोगों को थोड़ा डिटेल कर देते हैं सिलेबस में। जो प्री का सिलेबस है 140 क्वेश्चन GS का, जो 2 घंटे का होता है, सामान्य विज्ञान, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, वही सेम चीज जो PCS में मैक्सिमम होता है आपका, पॉलिटी और अर्थशास्त्र, कृषि वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन और करेंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक क्षमता मतलब रीजनिंग वाला पार्ट यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं से संबंध विशिष्ट जानकारी, ये सब होता है। ठीक है, उसके बाद से आपका जो दूसरा पेपर हिंदी होता है, बहुत ही आसान होता है, 60 प्रश्न होते हैं, 6 टॉपिक होता है, 6 टॉपिक से 10-10 प्रश्न होते हैं, जैसे विलोम से सिर्फ ग्रामर होता है, वोकैब्स होता है हिंदी का, वोकैब्स, विलोम से 10 प्रश्न, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 10 प्रश्न, अनेक शब्दों से 1 शब्द के लिए 10 प्रश्न आएंगे, तत्सम तद्भव 10 प्रश्न, विशेष विशेषण 10 प्रश्न, पर्यायवाची शब्द के 10 प्रश्न आपके रहेंगे। तो टोटल 200 प्रश्न हो गए, 140 वो 60 ये 200 अंक का हो गया। इस 200 अंक में अगर आप 140+ टारगेट करते हो तो आप को कोई रोक नहीं सकता है प्री क्वालिफाई करने से। अगला देख लो, जो मेंस का है, मेंस में जो GS पोर्शन है उसका सिलेबस हुबहू आपका प्री की तरह है, प्री की तरह सिलेबस वही है, टॉपिक सेम है, सामान्य विज्ञान, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, वही
यहाँ पे क्वेश्चन कम हो जाता है, 120 समय 2 घंटा ही मिलता है आपको। ठीक, आ जाओ, इसमें आपका खंड बी है जो दूसरा, इसमें 2.5 घंटे का पेपर होता है। दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करना होता है। तो ये जो होगा, दिए गए गद्यांश 3 नंबर का, सारांश 6 नंबर का और व्याख्या वाला पार्ट 12 नंबर का, तो टोटल 21 नंबर का ये पार्ट होता है। ठीक है, 100 नंबर में से। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन, एक तरह से जो पत्र दिया गया उसको एक तरह से उसका शॉर्ट करना होता है, तो वो 15 अंक का होता है। उसके बाद से पत्रचार बोला जाए तो टोटल 24 अंक का होता है, जिसमें शासकीय और अर्धशासकीय पत्र होते हैं, कार्यालय आदेश या परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, इन सब होते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट आपका होता है जो चौथा पॉइंट इसमें है, वो परिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं, जिसमें प्रशासनिक शब्दावलियाँ होती हैं। उसको क्या करना, आप तो अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द होगा, आपको अंग्रेजी से हिंदी कन्वर्ट करना होगा 10 अंक का, फिर हिंदी से अंग्रेजी, ठीक है, अब एक होगा इंग्लिश से हिंदी, एक होगा हिंदी से इंग्लिश, 5-5 शब्द होंगे, 10 नंबर के होंगे आपके। ठीक है, टोटल 10-10-20 हो गया। फिर मुहारे और लोकंकियां आपके 5 प्रश्न होंगे, वो भी 10 अंक के होंगे। और साथ ही साथ कंप्यूटर का ध्यान रखना, कंप्यूटर ज्ञान के भी 10 प्रश्न आपसे यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया। उसके बाद से खंड जो 2 होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। खंड जो 2 होगा वो ऑब्जेक्टिव, अभी तक ये सब्जेक्टिव वाला पार्ट चल रहा था, लिखना होगा उसको, अब यहाँ ऑब्जेक्टिव होगा। आधा घंटा मिलता है इसको, 60 नंबर का होगा। विलोम आपके 6 प्रश्न होंगे 12 अंक का। वाक्य और वर्तनी शुद्धि, वही पेपर 2 की तरह 6 होंगे 12 अंक का। अनेक शब्दों के लिए 6 शब्द होंगे, ये 12 अंक का होगा, मतलब 2-2 मार्क्स का एक होगा। तत्सम तद्भव 6, 12 अंक का। विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण 12 अंक का, तो सेम वही होगा। ठीक है, आधे घंटे में आपको 60 नंबर का काम करना होता है, तो ये प्री की तरह ही कवर हो जाएगा जब प्री पढ़ोगे तो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हिंदी निबंध में। हिंदी निबंध में आपके 3 जो आपके दिए गए होते हैं, 3 खंड होते हैं आपके, तीनों खंड में से एक एक निबंध लिखने होते हैं। बोला ना, प्रश्न पत्र में 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में एक शीर्षक क ख ग घ का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में, शब्द सीमा 600, कुल 3 निबंध लिखने हैं। और निबंध का जो अंक है वो 120 है, 40 अंक का एक होगा 600 शब्द में। इन टॉपिक में से एक आपको निकालना है, साहित्य और संस्कृति और सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में से एक निबंध लिखना है। इसमें से एक निबंध लिखना है विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी या आर्थिक क्षेत्र या कृषि व्यापार में से कोई एक टॉपिक पर लिखना है आपको। और तीसरा आपका यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं में से, तो टोटल 3 निबंध लिखने हैं। 600-600 का एक निबंध होगा, ठीक है, एक निबंध 600-600 का होगा, तो ये टोटल 120 मार्क्स का होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका मेंस हो गया। तो ये आरओ एआरओ सबको देना है, लेकिन लेखा वाले होंगे इसमें, और जो आपके उर्दू वाले और हिंदी वाले हैं उनके लिए क्वालिफाइंग पेपर भी होता है, उनके लिए 100-100 मार्क्स का क्वालिफाइंग पेपर होता है। उसका मतलब नहीं उसमें 33 नंबर लाना होता है, वो स्पेशल वालों के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता है। ठीक है, नोटिफिकेशन में लिखा होता है, उसमें ट्रांसलेशन करना होता है, कोई आर्टिकल्स दे दिया तो इंग्लिश को हिंदी में करना होगा हिंदी वालों के लिए, और उर्दू को इंग्लिश में करना होगा, तो ऐसे होता है ट्रांसलेशन होता है। उसमें सिर्फ आपको पासिंग मारना होता है, उसका कोई भी वेटेज नहीं लिया जाता है जब आपका स्कोर जोड़ा जाता है तो। ठीक है, तो ओवरऑल आरओ एआरओ में प्री मेंस जो होगा वो 400 मार्क्स का होगा, इसी 400 के बेसिस पर आपका मेरिट बनेगा। और एआरओ वाले का एक स्टेप और बढ़ जाता है, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। मेंस देने के बाद उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे अब होने लगा है, पहले टंकड़ पे होता था, और कृति देव की जो फॉन्ट है वो लिया जाता था। तो वो ये सब करने के बाद फिर आपका फाइनल मेरिट बनेगा, फिर आपको जो है विभाग अपॉइंट किया जाता है। अगर सिलेबस से और एग्जाम पैटर्न से कोई रिलेटेड आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो जरूर बताइएगा। एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि आपका जो आरओ एआरओ का टारगेट बैच है, परीक्षा प्लस के द्वारा आरओ एआरओ टारगेट बैच लॉन्च कर दिया गया है, और खासकर आज के दिन बहुत ही बम्पर ऑफर चल रहा है, क्योंकि रमन सर का बर्थडे है। उस बर्थडे के अवसर पे आप जब कूपन कोड लगाओगे रमन सर, ठीक है, कूपन कोड में जाके रमन सर लगाओगे, तो वो आपको बैच जो पड़ेगा वो ऑलमोस्ट आपको
300 कुछ रुपए में पड़ेगा, ठीक है 60% ऑफ हो जाएगा, जैसे ये लगाओगे बैच में 60% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कल से इसकी प्राइस और बढ़ जाएगी, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगी, कल से इसकी प्राइस 599 हो जाएगी, अभी ये ऑफर में ही 599 रहेगी, लेकिन सिर्फ आज के लिए रमन सर के बर्थडे के अवसर पे ये और 599 से भी आपका सस्ता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप रमन सर कोड लगाइएगा, आप इस बैच पर 60% ऑफ पा सकते हो। सिलेबस और पैटर्न से अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो, तो वो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। एडमिशन प्रोसीजर एकदम आसान है, आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लो और वहां से आप एडमिशन ले सकते हो, या इन नंबर पे कॉल कर लो अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो। ये दो जो नंबर हैं 91-29-69-70-80, इन दोनों पर कॉल कर लो आपको किसी प्रकार की समस्या है तो, ठीक है। तो यहाँ आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो जो भी भाई दिक्कत है, परेशानी है, आर ओ आर ओ से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने आपको जितने भी ए आर ओ के ओ लेवल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन थे वो सब मैंने आपको बता दिया, आप उसे आप अच्छे से देख लेना, उसमें कोई समस्या है तो आप ज़रूर फ़ोन के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।